अमित शाह जी ने पूछा सवाल, मैंने उसका काउंटर दिया, ये जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद पाकिस्तान से कितनी बार वार्ता करी गई बीजेपी की बताइए, 9 बार पाकिस्तान से वार्ता करी गई बीजेपी सरकारों के द्वारा। अब बताइए जिन्ना की मजार पे कसीदे कौन पढ़ रहा था उस समय? अडवाणी जी पढ़ रहे थे, अडवाणी जी पढ़ रहे थे, हमारे पार्टी के नेता तो थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कसीदे पढ़ रहे थे। ठीक है, समझ गया जी जी, जी आया आया। अरे चल, देखो सबसे ज्यादा बोले हो, सबसे ज्यादा नो 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 नहीं औरंगजेब, औरंगजेब की मजार पे राहुल गांधी, औरंगजेब जी के, औरंगजेब के मजार पे आराम से कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। कहां से शुरू करना है डिबेट, ये मैं जाऊंगा अदरवाइज मैं बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। जी पहली बात, इन्होंने आडवाणी की बात की, आडवाणी जी की, तो आज आडवाणी जी रिटायर हो चुके हैं, आज आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी से वो बैठे हुए बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं। आज की बात करिए, मोदी सरकार की बात करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहिए, इन्होंने कहा नेहरू जी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जेल में रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को कि इस देश में जब अकाल पड़ा था, यह देश भुखमरी से तंग था, उस समय पंडित नेहरू लंदन में पढ़ते थे, पैसा कहाँ से आता था? पुश्तैनी पैसा था, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी अंग्रेजों के वकील थे। जेल में वो रहे भाई जी, डिबेट डिरेल नहीं होनी चाहिए, डिबेट डिबेट नहीं नहीं नहीं। नेहरू जी ने तो जेल में बिरयानी भी खाया, वहाँ कपड़े भी ढीले मिलते थे, सावरकर की जेल में नहीं लिखे माफीनामे नहीं लिखे, जेल में खड़े होकर। भाई मेरी बात पूरी नहीं, मैं ये कहना, एक मिनट, जिस पीडी के समर्थन, पीडीपी के समर्थन की ये बात कर रहे हैं, एनसी के समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं उसी की मैं बात कर रहा था। अभी योगदान की बात आई, प्रतीक जी देश के इतिहास में ऐसे दो प्रधानमंत्री, वो भी कांग्रेस के रहे, जिन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं भारत रत्न लेने का काम किया, ये योगदान है कांग्रेस पार्टी का। जम्मू कश्मीर पे लौटिए, नहीं योगदान की बात आई, नहीं कोई योगदान की नहीं, जम्मू कश्मीर, क्योंकि अगर आप बात करने के प्रेजेंट पे बात करेंगे तो फिर प्रेजेंट पे बात करिए। योगदान की बात आई, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने बोला जो स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के ही प्रधानमंत्रियों ने भारत रत्न लेने का काम किया, लेकिन आज वो सरकार है, आज वो सरकार है जिनको सही मायने में भारत रत्न मिलना चाहिए। एक सवाल आपसे इन्होंने पूछा झंडे को लेकर, आ जाएगा, एक सवाल इन्होंने पूछा झंडे को लेकर, और वो झंडे के सवाल को लेकर एक कल का शो जब खत्म किया गया तो एक, हाँ जी बोल दीजिए, पहले बोल दीजिए, मैं उन्होंने कहा कि कई स्टेट्स हैं जिनके झंडे हैं, कर्नाटक का है, मणिपुर का है, तो वाई नॉट जम्मू कश्मीर का झंडा, आपको दिक्कत क्या है? झंडा से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन झंडा के पीछे जो डंडा ये चलाना चाह रहे हैं ना, वो मैं सवाल दे रहा हूँ। इन्होंने कहा झंडे, मणिपुर के पास भी झंडा रहा है, कर्नाटक के पास भी रहा है, लेकिन इस देश में दो संविधान का बात करने के पक्षधार के साथ ये क्यों खड़े नजर आते हैं, इस पे स्पष्ट करना होगा। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि हम तो वो सरकार से आते हैं सर जो अपनी भारतीय संस्कृति को भी उठाते हैं और देश में टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाते हैं, लेकिन इसे पूछिए अभी तक मौन है, फेविकॉल जम गया है क्या? पूछिए कि शंकराचार्य हिल के नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करने वाली ये जो पक्षधार खड़ी है उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ ये खड़े होंगे क्या? जी जी जनाब, सर कहां से आना हुआ? छत्तीसगढ़। बोलिए छत्तीसगढ़ से आए, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, कहाँ से रहने वाले हैं छत्तीसगढ़? जांजगीर, जांजगीर जी बोलिए। हम तो ये चाहते हैं पीओके के साथ पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी, वहाँ भी तिरंगा लहराए, जय भारत। जी जी समझ लिया भैया, समझ लिया, बैठो फिलहाल शो में आते हैं। जी जी हाँ जी, आया आ रहा ऐसा, मैं तिरंगे का विरोध करता हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरे ठीक है पूछूंगा, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पारसनाथ है। पारसनाथ कहाँ से रहने वाले हो? मैं नबी करीम, आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो। क्या काम करते हो? सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। पहला सेंटेंस अगर जो तुम वो बोल रहे हो कि मैं विरोध करता हूँ, तो इस जन्म में तो मैं नहीं आऊंगा भैया। अगर तुम्हारी बात कितनी भी अच्छी हो, पहले अच्छी बात कहो, वहीं पे खत्म, ठीक। तुम्हें कहना कुछ नहीं, तुम्हें कहनी अच्छी ही बात है, लेकिन अगर विरोध करोगे इस तरह से बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। जाओ। नहीं सर, मैं कांग्रेस के, जाओ
अपने भाई से एक बात बताना चाहता हूँ। आज के डेट में जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर कम से कम 200 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो तत्काल में आगे भी काम कर रही है। मैं खुद जाके देखा हूँ। क्या काम करते हैं साहब? एक मिनट भाई, अगर डिबेट नहीं सुनना तो बात निकल लो। रुकिए, नीचे करिए गुप्ता जी। आप जो बात कर रहे हैं कि निवेश नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो, सुनना है नहीं जम्मू कश्मीर में, बात हल्ला मचाना है बस सिर्फ, तो ये मोदी जी का ही देन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है जम्मू के अंदर। कम से कम अभी कठुआ के अंदर 20 फैक्ट्रियां यहाँ जमुना नगर से, वो रिजर्व सीट भी है वो जी जम्मू की, वो ये जम्मू की बात हो गई। दूसरी बात जो है, मनमोहन सिंह बहुत अच्छा एक इकोनॉमिस्ट थे, अच्छे काम किए, साथ में मोदी जी आगे। चुप रहो ऑटो वाले भैया, ज्यादा तकलीफ है तो मैं अभी ब्रेक कर लूं, उसके बाद बताएं, बात करें। चुपचाप खड़ा रहना, बड़े भारी ज्ञाता आ गए। तो सर, इन सब चीजों को कांग्रेस एक बार ध्यान रखे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोदी के सरकार में हुआ है वो शायद पिछले सरकार में नहीं हुई थी, इसलिए जनता डिबेट का एक ट्रैक होना चाहिए, उस डिबेट में ट्रैक। जी जनाब बोलिए। सर्वप्रथम भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आज जम्मू कश्मीर में पहले जो दो विधान दो संविधान था तो वो किसकी देन थी? यही कांग्रेस पार्टी की देन थी। और आज की हम बात करते हैं, आज जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज बना, किसकी देन है? इस भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हर घर तिरंगा वहां लहरा रहा है, डल लेक में आप चले जाओ चारों तरफ तिरंगा होता है, वहां किसने लहराया, किसने ये माहौल खड़ा किया? राहुल गांधी जी पद यात्रा करके जम्मू कश्मीर गए थे, आज ये जो माहौल बना कि वहां पे राहुल गांधी जी आराम से चल सकते हैं, किसने किया? जब वही था वहां लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए। अच्छा ठीक, मैं आपका सवाल रख देता हूँ। इनका कहना है कि जब आप पद यात्रा करके श्रीनगर पहुंचे तो जो बर्फ से आप खेल रहे थे, क्यों गुप्ता जी, आपका मन नहीं करता खेलने का? तो जब आप बर्फ से खेल रहे थे या जब आप आइसक्रीम खा रहे थे, तो वो इनका कहना था, ये आपका कहना है कि वो देन जो एटमॉस्फेयर किया वो था। ठीक, बस रुकिए, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ। जी मैं दे देना, तुम बोल देना। सुनिए, आर्टिकल 370 के खत्म होने से पहले मुझे एक बार कश्मीर, तथ्य पे बोलोगे, तथ्य बोलोगे तो मैं तथ्य ले लूंगा। तुमने इतनी बड़ी बात बोली, मैंने एक ही सेंटेंस बोला कि वही बोलना था, बस बाकी नहीं। जी, मुझे कश्मीर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले। जी, अभी हमारे मित्र ने दो सवाल पूछे, दोनों मित्रों ने एक एक सवाल पूछा। शंकराचार्य हिल की बात करें, शंकराचार्य मंदिर में जाके मैंने वहां पे साधना करी, मैंने पूजा करी, शंकराचार्य जी को पूजा और उनका आशीर्वाद लेने का काम किया। वेरी गुड। तो इनकी उपहास उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसका नाम बदल। दूसरी बात, अरे नाम कब बदला जाएगा? नाम पहले बदला गया क्या कभी भी? बताइए ना, पहले बदला गया क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में सारे चीज को बदलने की बात की। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, एक समन्वय बनाया जाएगा, उस पे देखेंगे आगे क्या होगा, आगे देखा जाएगा उस पे क्या होगा। कॉमन मिनिमम, अभी से ही आप मिथ्या वादन करना बंद करो। मैं यही शब्द सुनना चाह रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, ऑफकोर्स बनता रहा है, दोनों तरफ बनता रहा, बात सच है ये, दोनों तरफ बनता। मैं नहीं, जब्बाद ऐसे नहीं सुनता मैं, जब्बाद आप दुनिया में कहीं डिबेट करते होंगे ऐसी तरफ, यहां नहीं कर पाएंगे आप। आराम से जब्बाद, आराम से मैं पीडीपी में पूछ लूंगा, बीजेपी से भी।